दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसा जुगाड़ दिखाने जा रहा हूँ जिससे आप पानी गर्म कर सकते हैं सर्दियों में, जिसमें ना बिजली की ज़रूरत है ना किसी सिलेंडर की ज़रूरत है। ये है देसी गीज़र। ये काम कैसे करता है ज़रा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर इसमें सूखे घास फूस, पॉलीथीन, कागज़ वगैरह इसमें डाल दिया जाता है और इसमें इस हिस्से में पानी ही पानी है। ये पानी से भरा हुआ है, ये अभी पानी से पूरा भरा हुआ है। जब इसमें यहाँ आग जलाएंगे तो 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट आग जलेगी और ये सारा का सारा पानी जो है, इसके साइडों में पानी है तो सारा गर्म हो जाएगा। और ये काम कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जब यह आग जलाने के बाद सारा गर्म हो जाएगा और गर्म पानी निकालना है वो यहाँ से निकलेगा, इधर से। तो वो कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। इसकी क्षमता 30 लीटर है, 30 लीटर पानी इसमें आ सकता है, इसकी कैपेसिटी है 30 लीटर। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ आग जला दी और पानी गर्म हो गया, तो इसका फंडा क्या है, हमें पानी निकालना है। यहाँ देख सकते हैं ये जो है पाइप यहाँ से आई हुई है, ये इसमें गई हुई है गीज़र। क्या करेंगे, यहाँ से पानी ओपन कर देंगे, पानी खोल देंगे, पानी इसमें आएगा और यहाँ से नीचे से होते हुए इस टैंक में, इसमें गीज़र में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे गीजर में पानी जाएगा, ये ऑलरेडी भरा हुआ है और पानी इसमें गर्म है, ये और भरेगा तो यहाँ से गर्म पानी यहाँ से निकलाएगा। इस तरह से दोस्तों इसमें आग जलाइए, 5 मिनट में ये पानी 30 लीटर पानी गर्म कर देता है। इसकी कैपेसिटी 30 लीटर है और ये यहाँ तक इस साइड में ये सारा का सारा पानी से भरा हुआ है। मैं आपको ये ओपन खाली भी दिखाऊँगा और आपको पानी भी निकाल के दिखाऊँगा किस तरह से ये काम करता है। तो ये देखिए, अब ये बीच में से बिल्कुल खाली है, तो इसके इन हिस्सों में साइडों में पानी है बस, और ये खाली है। इसमें आग जलाते हैं जिससे पानी गर्म करती है। इसको हटा भी सकते हैं इसको यहाँ से, ताकि एक्स्ट्रा रॉड हटानी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ अब पानी गर्म हो चुका है। यहाँ से टैप को ओपन कर देंगे, आग जल रही है, अच्छे से जल रही है और ये गर्म पानी आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल गर्म है। सर्दियों में गीज़र की कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और ये जुगाड़ भी अच्छा लगा होगा देखने के लिए। धन्यवाद।